कि जो घटना घटी है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन जिस प्रकार से उसको राजनीतिक रंग दिया जा रहा है, इतनी घटिया राजनीति शायद ही कोई करेगा कि अपने ही साथी की लाश पर राजनीति करे और जनता से रोते समय भी वोट मांगे, दुख के समय भी केवल राजनीति दिखाई दे, इतना घटिया इंसान शायद ही कोई हो। मेरा आप सभी से ये कहना है और मैंने प्रशासन से भी ये कहा है कि अगर इसमें अगर जो भी दोषी हो उसकी न्यायिक जांच कराई जाए और उसको सज़ा दी जाए। ये जो मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाने की जो साजिश की जा रही है, मैं सभी मतदाताओं बंधुओं से ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोर्चे पर डटे रहना। चुनाव अपन जीत चुके हैं, ये बौखलाए हुए हैं, इनके हाथों में कुछ नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जनता के साथ केवल छलावा किया, अभी तक झूठ बोल करके राजनीति करते रहे हैं। और इस बार उन्होंने सोचा कि रात को हम इस प्रकार की साजिश, उनने खुद घटना को अंजाम दिया, उनसे हाँ हो सकता है धोखे से घटना घटी, लेकिन उन्होंने कहा कि अब किसको आरोपी बनाया जाए, तो उन्होंने मुझे टारगेट करके आरोपी बनाने के लिए यह षड्यंत्र रचा है। तो आप कोई भी चिंता नहीं करना, मुझे आपके लिए कुछ भी करना पड़े मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। आप इसी तरह मोर्चे पर डटे रहिए, आप अंतिम क्षण तक जब तक हमारी वोटिंग ना हो जाए तब तक अपने मैदान ना छोड़ें, यह मेरा आपसे निवेदन है। ये जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं, जिस प्रकार से पोलिंग बूथों पर जाकर के गुंडागिरी कर रहे हैं और जिस प्रकार से लोगों को आगे जाकर के कुछ करने की धमकी दे रहे हैं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ कि इतने कमज़ोर हमारे कार्यकर्ता नहीं हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, ये मेरा कहना है। आप ऐसे ही धमका धमका कर, और मेरा कार्यकर्ताओं से कहना कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा मिलेगा, यही मेरा आप सबसे निवेदन है। मैं और आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अभी 2 घंटे पहले इनके पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने खुद स्टेटमेंट में यह कहा है कि मैंने नाती राजा जी से बात की है, उन्होंने इसको एक घटना कहा है, उन्होंने कहा इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी है, कोई हत्या नहीं हुई है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक तरफ आप अपने नेताओं से झूठ बोल रहे हैं और यहाँ पर मुझे षड्यंत्र की तरफ फंसाने का और जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और मैंने इतनी घटिया राजनीति तो पहली बार देखी। अभी मैंने एक वीडियो देखा और उसमें यह दिखाया जा रहा है कि लवकुश नगर में पटेरिया की दशा, वो पिछोर का वीडियो है आज से 3-4 महीने पहले का, कि उनकी गाड़ियाँ फोड़ दी गई थी बीजेपी की, जो कांग्रेस के उपद्रवियों के द्वारा, और उसको मुझसे जोड़ करके आज डाला जा रहा है। इतनी घटिया राजनीति नहीं करो, जनता तुम्हें माफ़ नहीं करेगी, और जनता ने माफ़ नहीं भी किया है वो तुम्हें 3 तारीख को पता चलेगा। तो मैं आप सबकी मेहनत की मैं सराहना करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। जयराम जी की।